दरअसल बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ जो धक्का मुक्की हुई, जो मारपीट हुई, उसकी पटकथा कल सुबह ही लिख दी गई थी। कैसे? दरअसल आरजेडी विधायकों पर कल विधानसभा के बाहर लाठीचार्ज हुआ, सदन के अंदर फिर उनके साथ मारपीट हुई। इसको लेकर अब विपक्ष नीतीश कुमार से कई सवाल पूछ रहा है। बिहार विधानसभा में हुई इस मारपीट के बाद नेता विपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर है। सदन में बैठ के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। बड़का झूठा पार्टी से बड़का झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया और विधानसभा में जो कुछ हुआ उसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया। कौन कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी, और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा? और किस तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? आज बिहार में पूरा दिन हंगामे भरा रहा। विधानसभा के अंदर हुए हंगामे से पहले विधानसभा के बाहर भी जमकर बवाल हुआ, जिसकी तपिश सदन के अंदर भी दिखी। दरअसल आरजेडी ने पुलिस बिल, बेरोजगारी को लेकर सोमवार को विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद लाठीचार्ज हुआ। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें पुलिस वाले समेत कई मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई। पुलिस ने मामले में गांधी मैदान और कोतवाली थाना में दो अलग अलग FIR दर्ज की है। FIR तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 15 आरजेडी नेताओं पर की गई है। ABP News आपको रखे आगे।